नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम, देश विदेश में लोकप्रिय कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम कवि सम्मेलन सोनोटेक में। तो आज हमारे बीच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि युगल उपस्थित हैं और आप जरूर जानते होंगे, आपने बहुत सी उनकी वीडियोस देखी होंगी। हमारे बीच हैं कवित्री, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री बलजीत कौर तन्हा जी और अंतर्राष्ट्रीय कवि रसिक गुप्ता जी। हर घर में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि नोकझोंक में से भी कैसे हास्य निकल के आता है। जोड़ी नंबर वन कवि युगल को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां रखूंगा कि उलझे हैं सब नोकझोंक में, हास्य से क्यों दूरी है, और नोकझोंक को भूल भाल के हंस लो, हंसना बहुत जरूरी है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए जोड़ी नंबर वन कवि युगल का, स्वागत कीजिए। ओ रंगीले रसिया, एक दिन में छे कमीज उतार रहे हो, सच सच बताओ इस उम्र में किस पे लाइन मार रहे हो? अरे बल्लो ऐसी छोड़, बाहर निकल के देख कितना बहाना पड़ता पसीना, और तू समझती है मैं लुच्चा लफंगा कमीना। 25 बरस हो गए तुम्हारे साथ रहते, चेहरे की रौनक पढ़ लेती हूँ तत्काल, सच सच बता दो कौन से अरमान इस उम्र में रहे हो कमीज के नाम पर निकाल। अरे बल्लो तेरे दिमाग में शक का कीड़ा क्यों कुल बुलाया है? तब से जब से तुमने अपने मोबाइल में यूं 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 खतरनाक लॉक लगाया है। अरे बल्लो वो लोग तो तेरी औलाद की वजह से लगाया है, वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाती है, मेरे इम्पोर्टेंट फोन आने होते हैं और मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। वही इम्पोर्टेंट फोन जिनके लिए रात 2-2 बजे तक जागते हो और जैसे ही फोन आता है फोन उठाकर बाथरूम में भागते हो। अरे बल्लो वो इम्पोर्टेंट फोन मेरे दोस्तों के आते हैं, हम अपनी अपनी पत्नियों के अत्याचार एक दूसरे को सुनाते हैं। अत्याचार तो तुम हम पत्नियों पर करते हो, जो सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर लाते हो, और तो और लड़कियों के नाम कल्लू मिस्त्री के नाम पर उसमें लिख के ले आते हो। तू क्यों अपने इस भोले भाले पति पर इल्जाम लगाती है? इल्जाम क्यों ना लगाऊं, सब जानती हूँ वो शांताराम नहीं शांति है जिसकी रोज सुबह मिस कॉल आती है। अरे बल्लो वो बेचारी तो मुझे सुबह मिस कॉल मार के मॉर्निंग वॉक के लिए जगाती है। अच्छा मॉर्निंग वॉक को जगाती है, तो फिर ये बताओ वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ऑफिस तक तुम्हारी गाड़ी में क्यों जाती है? इस बल्लो को सारी खबर कैसे हो जाती है? खबर तो तब होगी जब उसकी टांग टूटेगी, तब वो तुम्हारे साथ ऑफिस में जाने से गाड़ी में जाने से छूटेगी। अरे बल्लो वो मेरे ऑफिस में ही है और वो मेरी कितनी केयर करती है। अच्छा इसीलिए वो अपना लाया खाना तुम्हारे साथ शेयर करती है। अरे इस बुल्लो की आंखों में क्या कैमरे फिट हैं, जैसे ऑफिस का सारा हाल दिख जाता है। हाल क्यों न समझ आए, जब पति को पत्नी के हाथ के खाने में नुक्स दिखाई दे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि वो जरूर ऑफिस में किसी कलमुही के हाथ का खाता है। इस बल्लो के तो आग लग जाती है, अगर मैं किसी और के हाथ का खाना चख लूं, और इसके बेस्वाद खाने से तो अच्छा है मैं उपवास ही रख लूं। अच्छा तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है, उन शर्मा जी से पूछो जो हर संडे को पराठे खाने हमारे घर चलाता है। शर्मा जी का क्या है, वो तो कुवारा है, हर रोज ऑफिस में आके से किया आता है, संडे को छुट्टी होती है इसलिए पड़ोसियों के आ जाता है। अच्छा और वो मल्होत्रा जी जो चले आते हैं करने को नाश्ता और कहते हैं वाह बल्लो भाभी क्या खूब बनाती हो तुम पास्ता। मल्होत्रा जी उसे तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो तो रोटी के लिए रोज नई नई मुर्गी तलाशता है। अच्छा तो तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है, तो ठीक है अब तुम यही कर लो और खाना बनाने के लिए तुम एक नौकर रख लो। अरे बल्लो उस काम वाली भाई रीटा के हाथ चूमने का मन करेगा, बस एक बार उसके हाथ का खाना चख लो। हे भगवान इन दिल फेंक पतियों से कोई कैसे पार पाए, अभी तक तो मैं शांति से परेशान थी और ये है कि रीटा का भी चखे आए। अरे बल्लो तू क्यों इन सब बेचारियों पर करती है शक, ये सब तो मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक। काहे की प्रशंसक, सब पता है मुझे, 2 दिन पहले तुमने मुझे झूठ कहा था कि किसी पॉकेट मार ने तुम्हारी पॉकेट उड़ाई है, हकीकत तो ये है कि तुमने उस कलमुही को एक सोने की चेन दिलवाई है। हे भगवान लगता है मेरा ये पर इंप्रेशन भी छूटा, पर हे भगवान इस सोने की चेन को भांडा कैसे फूटा। हाँ ऊपर वाले की कृपा हो गई, जो भांडा फूटा घर आ गया वो कोरियल वाला और फूट गया इस दिल फेंकू का ये गड़बड़ झोला। मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर दे के आया था, मुझे तो मोदी जी ने मरवा दिया और सब कुछ आधार से जोड़ के हम जैसे पतियों का कुंडा करवा दिया। खबरदार खबरदार जो मोदी जी को कुछ कहा,
वो तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं जिससे देश ही विकास नहीं कर रहा है, तुम जैसे दिलफेंक पति भी पकड़े जा रहे हैं। हे भगवान, इस आधार कार्ड के कारण मेरे सारे किए कराए पर फिर गया पानी, गलती हो गई, माफ कर दे बल्लो, दोबारा नहीं होगी ऐसी नादानी। माफ कर दूं? हाँ। सच? हाँ। आप नहीं करोगे ऐसा? अरे नहीं करूंगा, मेरी माँ। तो ठीक है, इस बार तुम्हें कर देती हूँ माफ, और करना भी चाहिए। अब कम से कम मुझे भी तो लक्ष्मी बाई बनकर नहीं तनना पड़ेगा, और तुम्हारी ये दिल फेंकू अदाएं ढूंढने के लिए कभी फेसबुक पर मेनका तो कभी प्रिया तो नहीं बनना पड़ेगा। जान बची सो लाखों पाए, लौट के रसिया घर को आए। तो देखा दोस्तों आपने, नोक झोंक में से भी कैसे हास्य निकल के आता है। तो ये थी जोड़ी नंबर 1 की नोक झोंक की पहली बहार। अगले एपिसोड का करिए इंतजार, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में कैसी लगे आपको ये वीडियो हमें बताइएगा। टेक केयर।